हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे लेंसेस के सारे न्यूमेरिकल्स। मैंने आपको ये होमवर्क दिए थे, आप साथ साथ चेक कीजिएगा अपने स्टेप्स। अगर कोई फिर भी डाउट बचता है तो प्लीज क्लास में पूछिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20। बाइकॉन्वेक्स लेंस बोल दिया मतलब R1 R2 दोनों आपको सेम लेने हैं, अगर कुछ नहीं बोला तो इस केस में, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस बोला, बाइकॉन्वेक्स लेंस बोला, तो R1 कितना हो जाएगा +20, R2 हो गया -20। कॉन्वेक्स है, R1 होगा पॉजिटिव, R2 होगा नेगेटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर प्लेस 30 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ अब सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखो इससे हम पोजिशनिंग चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट एफ और 2F के बीच में आ रहा है, बियॉन्ड 2F आ रहा है, कैसे आ रहा है। उसके लिए फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। फोकल लेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, वो गिवन नहीं है। अगर कुछ नहीं गिवन तो 1.5 लेके चल लो ग्लास सोच के। सो 1/F इज इक्वल टू μ-1, 1/R1 -1/R2 साइन चेंज हो गया, 0.5 इंटू 2/20, एफ आ गया 20 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर ग्लास के लिए। सो अगर ऑब्जेक्ट इज एट 30 सेंटीमीटर, इट मींस ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2F, देयरफॉर इमेज विल बी मैग्निफाइड रियल एंड बियॉन्ड 2F, 2F माने 40 सेंटीमीटर से आगे। ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ इमेज चाहिए होगा, ऑप्शन में हाइट भी है। अभी आते हैं वर्चुअल, पहला ऑप्शन खत्म, सेकंड ऑप्शन खत्म, थर्ड और फोर्थ में से है। अब देखो मैग्निफाइड किसमें आ रहा है, ये 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर मैग्निफाइड है, 1 सेंटीमीटर डिमिनिश्ड है, तो 1 होगा नहीं, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आंसर हो गया सी ऑप्शन, क्योंकि इसी में मैग्निफाइड इमेज बन रही है, ठीक है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, ये था क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं रेड फ्लैग लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फाइनल रिजल्ट भी आप एज अ फॉर्मूला याद करोगे, 1 मार्क क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज formed by a convex lens of focal length f, ye convex lens hai focal length f, real object aapko chahiye, real image, in dono ke beech ka distance chahiye, what is the minimum distance, aapko ye d nikalna hai, d ki minimum value nikalni hai, this is what is given। now maine is distance ko maan liya x, तो ये कितना हो जाएगा d माइनस एक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u, ये हो गया माइनस एक्स, इमेज डिस्टेंस यानी कि v, ये हो जाएगा प्लस ऑफ d माइनस एक्स। अप्लाई करो लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v मतलब 1/d माइनस एक्स -1/u इक्वल टू 1/f। एलसीएम लो, x इंटू डी माइनस एक्स, ये हो गया x प्लस डी माइनस एक्स इक्वल टू 1/f। x से x कट गया, df इज इक्वल टू एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर, so x square minus xd plus df equal to 0। क्या बना, quadratic equation बन गई। quadratic equation बनने का मतलब क्या हो गया, discriminant जो होना चाहिए वो greater than equal to 0 होना चाहिए। quadratic equation है, for real value of x चाहिए, for real x discriminant greater than equal to 0 चाहिए। discriminant हो गया b square minus 4ac, a is 1, c is df, greater than equal to 0, d square greater than equal to 4df, so d greater than equal to 4f।
सो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया 4f. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, एनसीईआरटी में है. इसी को अगर मैं रीअरेंज करूं, f लेस देन इक्वल टू d बाय 4, ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए कि मैक्सिमम फोकल लेंथ आप कितनी रख सकते हो. सो मैक्सिमम फोकल लेंथ, मैक्सिमम फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड वो हो जाता है d बाय 4. मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, फॉर रियल ऑब्जेक्ट एंड टू गेट अ रियल इमेज, वो हो जाता है 4f. मैक्सिमम फोकल लेंथ, अगर आपको बोल दिया कि लेट सपोज इस यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे इमेज है, बताओ लेंस सबसे मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी लग सकते हो, सो दैट कि ऑब्जेक्ट और इमेज यहीं पे हो, तो आंसर कितना हो जाएगा, d बाय 4. ये एज अ रिजल्ट याद रखना है, और अगर प्रूविंग की फॉर्म में आ जाए, 2 मार्क 3 मार्क में आ जाए, तो फिर ये मेथड आना चाहिए आपको. ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, रिजल्ट इसके. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड कह रहा है, अ बॉडी इज लोकेटेड ऑन अ वॉल, its image of equal size is to be obtained on the parallel wall with the help of a convex lens. Lens is placed at a distance d ahead of second wall, then the required focal length will be, okay, check karte hain, body is located on the wall, ye wall hai, its image of equal size is to be obtained on parallel wall, parallel wall hai, yahan image chahiye, yahan pe object hai, ab equal size hai. इक्वल साइज होने का मतलब कि ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, ट्वाइस द फोकल लेंथ पे, तो इमेज कहां बनेगी, ट्वाइस द फोकल लेंथ पे. सो टू ऑब्टेन इमेज ऑफ सेम साइज, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट 2f. 2f पे होना चाहिए, ओके. इट्स इमेज ऑफ इक्वल साइज इज टू बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस के साथ आपको चाहिए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको बराबर चाहिए होगा, और दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, 2f के इक्वल होने चाहिए, 2f के इक्वल होने चाहिए. द लेंस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेकंड वॉल. तो d फ्रॉम द सेकंड वॉल मतलब जो d की वैल्यू होनी चाहिए वो 2f के इक्वल होनी चाहिए, तो जो फोकल लेंथ चाहिए वो कितनी हो जाएगी, d बाय 2. So focal length d by 2, and then the required focal length will be, option हो जाएगा, only d by 2. क्या ये clear है? Step by step बनाओ, बहुत आसान question. Answer आ जाते हैं fourth पे. अब जरा fourth पे ध्यान दीजिए. A biconvex thick lens. Thick lens बोलने का मतलब क्या हो गया? Lens formula नहीं चलेगा. 1 by u equal to 1 by f. ये थिन लेंस फॉर्मूला है, थिक लेंस के लिए नहीं चलेगा, वहां आपको रिफ्रैक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी. बायकॉन्वेक्स थिक लेंस इज कंस्ट्रक्टेड विद ग्लास, एक लेंस आपने बनाया, कंस्ट्रक्टेड विद ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. ईच ऑफ द सर्फेस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 एंड थिकनेस इज 5. थिकनेस है बीच में 5, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया. आर वन आपको दे दिया +10, R2 हो गया -10, और थिकनेस है 5 सेंटीमीटर. मतलब यहां अगर फर्स्ट सरफेस का सेंटर है तो ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और यहां सेकेंड सरफेस का सेंटर है तो ये है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आगे क्या बोला, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम द लेंस. अब placed far away from the lens बोला, so अब आपको क्या करना है, parallel beam of light consider करनी है. मैं दोबारा diagram बनाता हूं, ये thick है, object कहां पे है, infinity पे, so पहले infinity पे आओगे, इसको basic refraction से solve करना पड़ेगा. ये surface one, for first surface, यहां पे आपको normal refractions consider करके solve करना पड़ेगा. first surface, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे हो गया C1, ये बनाया नॉर्मल रिलेटिव डेंसर, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, कहां होगी मुझे नहीं पता, निकालो, माइनस पहले वाला अपॉन यू
वैल्यूज लिख देता हूं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस इंफिनिटी, इमेज डिस्टेंस हमें नहीं पता, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 10. सो माइनस पहले वाला अपॉन यू प्लस बाद वाला अपॉन वी, इस बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन आर. सो 1.5 बाय वी इज 0.5 बाय 10, तो वी आ गया 30 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज होगी वो 30 सेंटीमीटर पे बनेगी. ये बन गई आई डैश, ये हुआ 30, ये 30. अब सेकेंड सरफेस पे आ जाओ, थिकनेस 5 थी तो इधर से कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया. 30 टोटल था, 5 सेंटीमीटर थिकनेस थी, वो माइनस करोगे तो ये कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर हुआ. सो फॉर सेकेंड सरफेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया प्लस 25, इमेज डिस्टेंस हमें नहीं पता, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस 10. लगाओ फिर से फॉर्मूला, माइनस, अब पहले वाला मीडियम कौन सा हुआ, 1.5, पहले वाला मीडियम अपॉन यू प्लस बाद वाला अपॉन वी, बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन रेडियस. सॉल्व करो, माइनस 1.5 बाय 25 उधर चला जाएगा, 1 बाय वी की वैल्यू आई 0.5 बाय 10, माइनस 0.5 बाय माइनस 10 मतलब 0.5 बाय 10, और ये उधर चला जाएगा प्लस 1.5 बाय 25. 50 एलसीएम ले लो, ये आ गया 2.5 प्लस 3, वी आ गया 50 अपॉन 5.5, यानी 500 बाय 55 मतलब 100 बाय 11 यानी कि 9.1 सेंटीमीटर. देयरफॉर इमेज इज फॉर्म्ड. ये फोकल लेंथ बोला नहीं, इमेज निकालना है, लोकेशन ऑफ इमेज. इमेज इज फॉर्म्ड एट 9.1 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ लेंस. रियल इमेज बन रही है, दूसरे साइड पे 9.1 सेंटीमीटर दूर. क्या ये सिचुएशन समझ में आई? दोबारा समझो, क्योंकि थिक लेंस है, लेंस फॉर्मूला नहीं चलेगा. ऑब्जेक्ट आपने लिया इंफिनिटी पे, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन कंसिडर की, फर्स्ट की जो इमेज है वो आई 30 सेंटीमीटर पे, तो इस पोल से 30 सेंटीमीटर हो गया इससे, तो आपको दूसरे पोल से कितना होगा, 5 सेंटीमीटर थिकनेस को माइनस करो 25, तो यू हो गया प्लस 25, वी निकाल लो. ठीक है, ये हो गया थिक लेंस. थिन लेंस होता तो सीधा सीधा लेंस फॉर्मूला लग जाता, उसके लिए यू पता था, एफ पता होता, एफ लेंस मेकर से निकालते और वी ही निकाल लेते, पर ये थिक लेंस है तो आपको मल्टीपल रिफ्रैक्शंस कंसीडर करनी पड़ेगी. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4. आ जाते हैं फिफ्थ पे. फिफ्थ क्या कह रहा है, अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज इज इंसिडेंट ऑन अ डाइवर्जिंग लेंस. प्लीज ध्यान से देखना, converging beam of rays is are incident on diverging lens having passed through a lens, the rays intersect at 0.15 centimeter from the lens on opposite side. ध्यान देना बेटा, ये diverging lens है, इस पे एक converging beam incident है. converging beam incident मतलब beam ऐसे आ रही है. अब ऑब्वियसली क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये क्या करेगा, थोड़ा डाइवर्ज कर देगा. अगर ये ना होता तो यहां पे बनती, बट इसके होने से ये डाइवर्ज हो गया, इधर इमेज कहीं बनेगी. अब वैल्यूज देखते हैं, अ कन्वर्ज हैविंग पास थ्रू द लेंस द रेज इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. तो ये 15 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रही है, तो पहली चीज से क्या पता लगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, प्लस 15 सेंटीमीटर. If the lens is removed, the point where the rays meet will move 5 centimeter closer. अगर lens remove कर दूंगा तो ये 5 centimeter पीछे चला जाएगा. 5 centimeter पीछे जाने का मतलब ये gap कितना रह जाएगा, 10 centimeter रह जाएगा. मतलब lens remove करना है तो object distance कितना हो गया, plus 10. Logically सोचो ना, अगर lens मैं remove कर दूंगा तो rays कहां meet करेंगी, वो हो गया ये वाला point. ये point कौन सा है, वही object का, तो object distance कितना हो गया, plus 10.
सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ निकाल दो, 1 बाय एफ इज 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, एलसीएम लोगे 30, 2 माइनस 3, फोकल लेंथ आ गया माइनस 30 सेंटीमीटर. गॉट इट? तो ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन. ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5. एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, कन्वर्जिंग बीम, एक बीम कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है डाइवर्जिंग लेंस पे, तो ये डाइवर्ज कर देगा, उसे स्प्रेड आउट कर देगा. कन्वर्जिंग लेंस क्या करता, और ज्यादा पास ले आता, डाइवर्जिंग ने क्या किया, थोड़ा दूर कर दिया उसको, दूर करके 15 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, तो इसका मतलब 15 सेंटीमीटर क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस. अगर लेंस ना होता तो ये काम मीट करती, वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो यानी वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया प्लस 10 सेंटीमीटर. जस्ट द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन डिफरेंट किया, बाकी सोचना तो आपको पड़ेगा ही. आ जाते हैं 6th पे. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6th कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. An object is situated in water at a distance of 100 centimeter on this on its axis. Find the nature and position of the image. Okay. Convex lens, focal length at 20. So air mein 20 hai. So 1 by f is equal to 1.5 minus 1. 1 by r1 minus 1 by r2. Ab jab maine use pani mein dal diya. So 1.5 upon 4/3 minus 1, 1 by R1 minus 1 by R2. ये कितना आया 0.5 into 1 by R1 minus 1 by R2. ये कितना होगा 4.5 by 4 minus 1, 0.5 by 4, 1 by R1 minus 1 by R2. दोनों equations को divide कर दो, 1 by F. Divided by 1 by f dash. Kitna hua 0.5 upon 0.5 by 4. F dash ho gaya 4F. Yani 80 centimeter. To pani mein iski focal length kitni hai? 80 centimeter. Is immersed in water of refractive index 4/3. Object is situated in water at a distance of 100 centimeter. Find the nature and position of the image. To u aapko de diya. Kitna? 100 सेंटीमीटर माइनस 100 पे, यू दे दिया माइनस 100, वी निकालना है 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ. सो 1 बाय वी आ गया 1 बाय 80 माइनस 1 बाय 100, 400 एलसीएम, 5 माइनस 4, वी आ गया 400 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आ गया, मतलब रियल इमेज. देयरफॉर इमेज इज रियल. मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन होता है वी बाय यू, 400 बाय माइनस 100, मैग्निफिकेशन हो गया माइनस 4. सो रियल मैग्निफाइड. समझ में आ गया, क्लियर? पोजिशन और नेचर दोनों निकल गए. आ जाते हैं 7th पे. A double convex lens made of glass of refractive index 1.6 has both radii of curvature 30 centimeter. So R1 up double convex hai, R1 ho gaya plus 30, R2 ho gaya minus 30. R1 R2 dono de diye. Find the focal length of the lens. Refractive index diya 1.6. So 1 by f is 1.6 minus 1. 1 by 30 plus 1 by 30. So 1 by f is 0.6 into 2 by 30. So f ho gaya 30 upon 2 into 6 by 10. Answer aa gaya 25 centimeter. So focal length ho gaya 25 centimeter. If an object is placed at a distance of 15 centimeter, u aapko de diya minus 15 centimeter, image nikalna hai, 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. So 1 by v hua 1 by 25 minus 1 by 15.
1 by 25 माइनस 1 by 15 एलसीएम कितना आया 150 ये आ गया 6 माइनस 10 ये आप 75 ले लो छोटा है 75 3 माइनस 5 वी की वैल्यू आ गई माइनस 75 बाय 2 यानी माइनस 37.5 सेंटीमीटर माइनस का मतलब क्या हो गया वी नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज V मतलब वर्चुअल इमेज आप खुद देखो फोकल लेंथ 25 है विद इन फोकस ऑब्जेक्ट है कि नहीं अगर विद इन फोकस ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज क्या बनती है वर्चुअल बनती है ठीक आ जाते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 8 पे 8th आपको कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन द इमेज 3 टाइम्स ऑफ इट्स साइज अब थ्री टाइम्स ऑफ इट साइज बोला थ्री टाइम्स ऑफ इट साइज का मतलब क्या हुआ कि रियल इमेज भी हो सकती है वर्चुअल इमेज भी हो सकती है क्योंकि दोनों मैग्निफाइड हो सकती हैं ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फॉर फोकल लेंथ टू ऑब्टेन द इमेज थ्री टाइम्स ऑफ इट साइज अब इसमें आपको ये तो नहीं बोला ना रियल इमेज अगर रियल बोला होता तो बात अलग होती तब मैग्निफिकेशन लेते माइनस थ्री अगर वर्चुअल होता है तो मैग्निफिकेशन कितना होगा प्लस थ्री कुछ नहीं बोला तो दोनों लेना पड़ेगा डिस्टेंस आपको निकालना है U आपको निकालना है फोकल लेंथ दिया है 21 सेंटीमीटर U आपको निकालना है और आपको मैग्निफिकेशन दे दिया प्लस माइनस 3 मैग्निफिकेशन होता है V बाई U तो V हो गया प्लस माइनस 3U रख लो संभाल के सो पहला केस इफ V इज इक्वल टू 3U सो 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू 1 बाई F सो 1 बाई 3U माइनस 1 बाय यू इज 1 बाय 21 3 यू एलसीएम 1 माइनस 3 इज 1 बाय 21 तो यू की वैल्यू हो गई माइनस 14 सेंटीमीटर ये वर्चुअल वाला केस हो गया अब रियल वाला लेते हैं वी को लो माइनस 3 यू सो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ सो 3 यू एलसीएम माइनस 1 माइनस 3 इज 1 बाय 21 सचौक 28 यू आ गया माइनस 28 सेंटीमीटर सो दो केस हुए एक पे हुआ माइनस 28 एक आंसर हुआ माइनस 14 इसमें कौन सा बनेगा वर्चुअल इमेज इसमें कौन सी बनेगी रियल इमेज दोनों ही केसेस में थ्री टाइम्स है क्वेश्चन में नहीं बोला था कि रियल इमेज बनानी है या वर्चुअल तो दोनों केस लेने क्योंकि मैग्निफाइड दोनों केस में होता है अगर डिमिनिश्ड इमेज होती तो सिर्फ रियल का केस होता क्योंकि रियल में उसमें डिमिनिश्ड में वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज वर्चुअल में नहीं बनती ठीक है आ जाते हैं नाइन्थ पे इफ फोकल लेंथ इज प्लस 0.5 व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस फर्स्ट पार्ट कुछ नहीं बोला तो आपको एयर कंसिडर करके करना है फोकल लेंथ है प्लस 0.5 मीटर तो पावर कितना हो गया पावर होता है 1 बाय फोकल लेंथ तो कितना आ गया 1 बाय 0.5 यानी 2 डायोप्टर्स सेकंड पार्ट द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 एंड 15 डबल कॉन्वेक्स बोला तो r1 ले लोगे प्लस 10 सेंटीमीटर r2 ले लोगे माइनस 15 सेंटीमीटर इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया 12 सेंटीमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है एयर कंसीडर करो लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाओ 1 बाय एफ इज म्यू माइनस 1 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 वैल्यू डालो 1 बाय 12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 15 सो म्यू माइनस 1 एलसीएम लोगे 30 3 प्लस 2 5 6 6 हाफ म्यू आ जाएगा सॉल्व करके 3 बाय 2 ठीक है सेकेंड पार्ट हो गया थर्ड पार्ट में कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर सो 1 बाय 20 इज इक्वल टू म्यू म्यू की वैल्यू 1.5 दी हुई है 1.5 माइनस 1 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 मतलब 0.5 इंटू 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 रखो संभाल के कह रहा है पानी में कितना होगा पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया है 4 बाय 3 दिया होता था और आसान हो जाता कैलकुलेशन
बट जो दिया हमें वही लेना पड़ेगा, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.33 माइनस 1, 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2. ये नई फोकल लेंथ हो गई. तो ये सॉल्व कर कितना आया, एलसीएम लूंगा 1.5 माइनस 1.33 0.17 अपॉन 1.33 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. दोनों को डिवाइड कर दो, एफ डैश बाय 20 is equal to 0.5 upon 0.17 into 1.33. 1 by R1, 1 by R2 कट गया, F dash की वैल्यू आ गई 78.2 सेंटीमीटर. ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गया. ये था क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स मूव ऑन टू 10th क्वेश्चन. 10th पे ध्यान दीजिए. 10th आपको क्या बोल रहा है, A needle 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज placed along the axis of convex lens of focal length 10. ये convex lens है, इसकी focal length दी है 10 centimeter. A needle 10 centimeter is 10 centimeter long is placed along the axis of convex lens of focal length 10 such that the middle point of the needle is at a distance of 20 centimeter from the lens. Needle को along the axis रखा आपने, ये needle है along the axis. जो नीडल का मिडल पॉइंट है वो 20 सेंटीमीटर दूर है. मतलब अगर ये नीडल ए बी है तो बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस करो, बी हो गया 15 सेंटीमीटर और ए कितना हो गया 25 सेंटीमीटर. ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज. तो दोनों के लिए निकालो फॉर बी पॉइंट. सो बी के लिए आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया माइनस 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी क्वेश्चन में गिवन है, फोकल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो माइनस 10 कॉन्वेक्स है तो प्लस 10 सेंटीमीटर. ये हो गया फोकल लेंथ. V निकालो, 1 बाय V B पॉइंट का माइनस 1 बाय U, तो ये प्लस हो गया इक्वल टू 1 बाय F. सो 1 बाय V ऑफ B कितना हुआ, 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 15, 30 LCM, 3 माइनस 2. बी पॉइंट की इमेज कहां आ गई, 30 सेंटीमीटर दूर राइट साइड पे. ऑब्वियसली पॉजिटिव आना चाहिए था क्योंकि ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड फोकस. फॉर ए पे आ जाओ, ए एंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस 25, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है प्लस 10. इमेज डिस्टेंस निकालो, 1 बाय वी ऑफ ए माइनस 1 बाय यू, साइन चेंज हो गया प्लस हो गया, इज 1 बाय एफ. So 1 by V of A is 1 by 10 minus 1 by 25, 50 LCM, 5 minus 2. तो A की image distance हो गया 50 by 3 centimeter. So दोनों का जो difference है वो क्या हो जाएगा, length of image. Length of image कितनी हो गई, length of image हो गई दोनों का difference 30 में से 50 by 3 minus करो, 90 minus 50 40 by 3 सेंटीमीटर. तो ये इसकी इमेज का डिस्टेंस, इमेज की लेंथ आ गई. क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10th. आ जाते हैं 11th पे. स्मॉल फिश 0.4 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक इज व्यूड थ्रू अ सिंपल कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3 मीटर. फोकल लेंथ 3 मीटर. The lens is kept at 0.2 meter above the water surface such that the fish lies on the optical axis of the lens. Find the image of the fish seen by the observer. ध्यान दीजिए, ये water surface है, ये water surface है. आपको बोला small fish 0.4 meter below the surface. यहां पे fish है, ये fish है. कितना नीचे है, 0.4 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. इज व्यूड थ्रू अ सिंपल कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3 मीटर्स केप्ट एट 0.2 मीटर अबव. तो यहां पे मैंने एक लेंस रख दिया, इसकी फोकल लेंथ है 3 मीटर्स और इसको कितना नीचे रखा, 0.2 मीटर नीचे रखा, ऊपर रखा उसके. और आप यहां से देख रहे हो, इस तरफ से आप देख रहे हो. So, अब ये जो फिश होगा ये लेंस के लिए रेज्ड अप दिखेगा. सो एपरेंट डेप्थ
कितना होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रियल डेप्थ कितना है 0.4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ये आ गया 0.3. सो फिश वर्चुअली इसके लिए कितनी दिखेगी 0.3, 0.2 ऑलरेडी था. देयरफॉर फॉर लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 0.2 और 0.3, कितना हुआ 0.5 नेगेटिव का. फोकल लेंथ आपको 3 मीटर्स दिया है, v निकाल लो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. सो 1/v हो गया 1/3 माइनस 1/0.5 यानी 2, सो माइनस 5/3, तो v आ गया माइनस 3/5 यानी माइनस 0.6 मीटर, माइनस 0.6 मीटर. ठीक है, समझ में आ गई बात. एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर्स फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड क्योंकि नेगेटिव आया तो माइनस 0.6 मीटर्स. गॉट इट बेटा, समझ में आया, क्लियर. 0.6 मीटर नीचे, 0.6 मीटर नीचे मतलब 0.4, 0.2 तो ये हो गया और 0.4 एक्चुअल, सो वो हमें दिखेगा. गॉट इट. ये था क्वेश्चन नंबर 11. लेट्स मूव ऑन टू 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 12 कह रहा है a pin of length 2 cm is placed perpendicular to the principal axis of a converging lens. ये एक converging lens है. एक pin आपने 2 cm height की इस पे place कर दी principal axis पे. ठीक है. An inverted image of size 1 cm is placed at a distance 40 cm from the pin. ये 1 cm की image बन रही है और इन दोनों के बीच में gap कितना दिया हुआ है 40 cm. So object distance को अगर मैं x मानता हूं तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया 40 माइनस एक्स. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर माइनस एक्स है तो इमेज डिस्टेंस हुआ 40 माइनस एक्स. अब आपको फॉर्मूला पता है h2/h1 इज इक्वल टू v/u. सो h2 कितना है माइनस 1, h1 कितना है 2, v कितना 40 माइनस एक्स, u कितना माइनस एक्स. सो x इज इक्वल टू 80 माइनस 2x. So x is equal to 80/3 cm. So object distance हो गया 80/3 cm. X मतलब value आ गई 80/3. Minus x है object distance. So minus 80/3. Find the focal length. अब आपके पास object इसका मतलब कितना आ गया, focal length निकालने के लिए दोनों चाहिए होगा. Object distance minus x है तो minus 80/3. Image distance कितना है 40 minus x, तो 40 minus 80/3 यानी 40/3. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों पता है, 1/f इज 1/v माइनस 1/u, साइन चेंज हो गया. सो 3/40 प्लस 3/80 एलसीएम, 6+3, फोकल लेंथ कितना हो गया 80/9 cm, 8.9 के आसपास आंसर आ जाए. ठीक है, समझ में आ गया. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12. आ जाते हैं 13th पे. A lens is placed between a source of light and a wall. ये source of light है, ये wall है, एक lens आपने बीच में place कर दिया. It forms images of area A1 and A2 on the wall for its two different positions. अब ये कौन सा concept हो गया, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, कौन सा वाला, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया न्यूटन डिस्प्लेसमेंट मेथड. क्या बताया था आपको, दो पोजीशन ऑफ लेंस के लिए आप इमेज निकाल सकते हो. मतलब अगर लेंस यहां पे है एक्स डिस्टेंस दूर, इमेज वाई डिस्टेंस दूर होगी. दूसरी पोजीशन कौन सी हो सकती है, अगर लेंस यहां पे हो एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाए, इमेज डिस्टेंस एक्स हो जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाई हो जाए. तो ये दो पोजीशंस होंगी. आपको बोला लेंस इज प्लेस बिटवीन अ सोर्स ऑफ लाइट एंड अ वॉल, इट फॉर्म्स इमेजेस ऑफ एरिया A1 एंड A2 ऑन द वॉल फॉर इट्स टू डिफरेंट पोजीशंस द एरिया ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. अगर अभी मैं पहले फॉर्मूले से भी बताऊंगा, लॉजिक से भी समझो. फॉर्मूले से अगर हम बात करेंगे, पहले लॉजिक से बात करते हैं. इसकी साइज को मैंने लेट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट is a
और इसको मैंने एच वन स्क्वायर बोल दिया. एच वन है हाइट, एरिया ऑफ इमेज इन केस वन वो मान लिया ए वन, जो कि मुझे क्वेश्चन में ए वन बोला है, विच इज एच टू का स्क्वायर. एरिया ऑफ इमेज इन केस टू, इसको मैंने ए टू बोल दिया, ये हो गया एच टू डैश का स्क्वायर. सो अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एच टू बाय एच वन इज इक्वल टू वी बाई यू. केस वन की मैं बात कर रहा हूं, केस वन में हाइट ऑफ इमेज है एच टू, तो एच टू बाय एच वन इज वी बाई यू, तो वाई बाई एक्स. केस टू की बात करें, उसमें आ गया एच टू डैश बाय एच वन इज एक्स बाय वाई. दोनों को करो मल्टीप्लाई, एच टू बाय एच वन इंटू एच टू डैश बाय एच वन इज वन. सो एच वन स्क्वायर आ गया एच टू एच टू डैश. सो ए आ गया रूट ए वन रूट ए टू, ये रिलेशन आ गया. अब आपको याद है ये एज अ प्रूफ भी हमने किया हुआ है, ये एज अ प्रूफ भी किया हुआ है कि ओ इज इक्वल टू रूट ऑफ आई वन आई टू. ये वही चीज है, आई वन आई टू इमेज की हाइट हो गई. तो ये एज अ अगर टू मार्कर क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखोगे, क्योंकि एमसीक्यू है, मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, ये रिजल्ट हमने प्रूव किया हुआ है. ठीक है, ये हो गया न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड. आ जाते हैं नंबर 14th पे. 14th कह रहा है द लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंसेज L1, L2, L3 इज एज शोन इन फिगर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ लेंस L3. ये हमने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, कोई नहीं दोबारा देखो. ये लेंस दिए हुए तीन, L1, L2 और L3. डाटा देख लेते हैं, ये है 5 सेंटीमीटर दोनों के बीच में गैप, इन दोनों के बीच में गैप है 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ है माइनस 10 सेंटीमीटर. F3 की फोकल लेंथ आपको निकालनी है. ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दूर, ऑब्जेक्ट आपको दिया है 30 सेंटीमीटर दूर, और फाइनल इमेज जो है वो भी कितनी दूर दी हुई है, 30 सेंटीमीटर. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ L3? फाइनल इमेज जो है द इमेज एट 30 सेंटीमीटर, फाइनल इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर पे. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इफेक्टिव से नहीं करते क्योंकि गैप्स हैं. तो पहले फॉर फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ माइनस 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया है प्लस 10 सेंटीमीटर. 1 बाय वी इज 1 बाय एफ प्लस 1 बाय यू, सो 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 30 एलसीएम, 3 माइनस 1 वी आ गया 15 सेंटीमीटर. सो यहां से 15 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी, तो यानी इधर से 15 मतलब इस पॉइंट पे यहां इमेज बननी चाहिए, बट इस इमेज के बनने से पहले एक और बार रिफ्रैक्शन हो जाएगी, इस इमेज के बनने से पहले एक और बार रिफ्रैक्शन होगी. सेकंड लेंस पे आते हैं, फर्स्ट की जो इमेज है वो सेकंड के लिए कैसे होगी, एज एन ऑब्जेक्ट. तो ये जो पॉइंट है ये सेकंड के लिए एज एन ऑब्जेक्ट होगा. यू कितना हो गया प्लस 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है माइनस 10 सेंटीमीटर, 1 बाई वी इज 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू, कट के आया जीरो, वी आ गया इंफिनिटी, मतलब इससे बीम हो गई पैरेलल. अब आ जाएंगे थर्ड लेंस के लिए. फॉर थर्ड लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस इंफिनिटी क्योंकि पैरेलल बीम आ रही है, फोकल लेंथ अननोन एफ थ्री, इमेज डिस्टेंस प्लस 30 सेंटीमीटर. सो 1 बाय एफ इज 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, तो फोकल लेंथ आ गई 30 सेंटीमीटर. तो थर्ड वाले की फोकल लेंथ कितनी होगी 30, फाइनल इमेज काम बन जाएगी 30 पे. ठीक है, सो ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप, एक साथ नहीं करना. आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे. 15 कह रहा है अ नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. एक नीडल है 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, अ नीडल प्लेस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस 45 सेंटीमीटर. फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, तो वी हो गया प्लस 90 सेंटीमीटर.
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस. टाइप ऑफ लेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फोकल लेंथ निकालेंगे. फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ जाए तो लेंस होगा कन्वर्जिंग, फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाए तो लेंस होगा डाइवर्जिंग. तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकालते हैं. 1 by f is 1 by v minus 1 by u. So 1 by 90 plus 1 by 45. 90 LCM, 1 plus 2. तो focal length आ गई 30 centimeter. Plus 30 centimeter का मतलब लेंस क्या हो गया? Converging lens. Converging lens. आगे क्या बोला? Determines focal length हो गया. What is the size of the image? If the size of the needle is 5 centimeter, H2 by H1, कितना होता है? V by U. So H2 by 5 is V. V कितना? 90 by minus 45. तो H2 कितना हो गया? Minus 10 centimeter. तो height of needle कितनी हो गई? Height of image कितनी हो गई? 10 centimeter. Negative का negative मतलब inverted image, क्योंकि real है. Next, question number 16. Calculate the distance at which the object is placed from a convex lens of focal length 10 centimeter to obtain an image of double its size. अब इसमें double size बोला मतलब magnified image, convex में magnified image, real और virtual दोनों होती है. Magnification क्या हो जाएगा? Plus minus 2. So case 1, if magnification आपने लिया plus 2, so plus 2 is equal to V by U. तो v आपके पास आ गया 2u. फॉर्मूला लगाओ, 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. फोकल लेंथ दिए 10 सेंटीमीटर. सो 1 by 2u minus 1 by u is 1 by 10. 2u LCM, 1 minus 2 is 1 by 10. तो u की वैल्यू कितनी आ गई? Minus 5 सेंटीमीटर. तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए. सेकंड केस, अगर रियल इमेज बनानी है आपको तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस 2. सो माइनस 2 इज इक्वल टू वी बाई यू. तो वी कितना हुआ? माइनस 2u. सो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ. 2u LCM, 1 plus 2, 3 is minus 1 by 10. तो u की वैल्यू आ गई minus 30 by 2, यानी minus 15 सेंटीमीटर. तो दो दो पोजिशन होंगी, एक में वर्चुअल इमेज बनेगी, एक में रियल इमेज बनेगी. दोनों में ही साइज क्या हो जाएगा? डबल. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? A convex lens of focal length 0.12 meter produces an image which is 3 times as long as the object. Convex lens diya hai, focal length 0.12 meter. Focal length hai plus 0.12 meter produces an image which is 3 times as long as object. Matlab H2 by H1 magnification आपको 3 दिए. अब रियल या वर्चुअल अभी देखते हैं. प्लस माइनस 3 दोनों हो सकता है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस फॉर रियल इमेज. क्योंकि रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन क्या ले लोगे? माइनस 3. वर्चुअल इमेज होती तो मैग्निफिकेशन क्या लेते? प्लस 3. रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन क्या लोगे? माइनस 3. सो फोकल लेंथ दिया है, H2 by H1 किसके बराबर होता है? V by U के. तो V किसके इक्वल हुआ? माइनस 3U. U आपको निकालना है. 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F. So 1 by minus 3U minus 1 by U is 1 by 0.12. So 3U LCM minus 1 minus 3 is 1 by 0.12. So object distance kitna ho gaya? Minus 4 by 3 into 0.12. 4.04, 44 is 16, minus 0.16 meter. So object distance कितना हो गया? Minus 0.16 meter. ये हो गया question number 17. आ जाते हैं 18th पे. 18th क्या कह रहा है? A convex lens of focal length 80 centimeter. Convex lens की focal length है 80 centimeter. And a concave lens of focal length 50 centimeter.
दूसरा कॉन्केव लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर आर कंबाइंड टुगेदर व्हाट इज द रिजल्टिंग पावर तो सबसे पहले आप इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालोगे 1 बाय एफ इफेक्टिव कितना हुआ 1 बाय एफ इफेक्टिव हुआ 1 बाय एफ 1 प्लस 1 बाय एफ 2 कंबाइंड फोकल लेंथ निकालोगे 1 बाय एफ इफेक्टिव हुआ 1 बाय एफ 1 प्लस 1 बाय एफ 2 सो 1 बाय 80 माइनस 1 बाय 50 400 एलसीएम 5 माइनस 8 तो एफ इफेक्टिव कितना आ गया माइनस 400 बाय 3 मीटर्स तो पावर आपको निकालना है मीटर्स है सेंटीमीटर्स है सेंटीमीटर्स 400 बाय 3 सेंटीमीटर तो एफ इफेक्टिव कितना हुआ माइनस 4 बाय 3 मीटर्स तो पावर कितना हो गया माइनस 3 बाय 4 डायोप्टर्स मतलब माइनस 0.75 डायोप्टर्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 18th माइनस 0.75 डायोप्टर्स क्लियर तो मीटर्स का ध्यान रखना मीटर्स में कन्वर्ट होगा उसके बाद सॉल्विंग होगी ठीक है ये था क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे 19th क्या कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर ये कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर Determine the location and nature of image if a point object is placed on the principal axis at a distance of 9.8. So, first part mein object distance hai minus 9.8 centimeter. Focal length aapko pata hai v nikalo. 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. So, 1 by v hua 1 by 10 minus 1 by 9.8. LCM loge 98 LCM 9.8 minus 10 minus 0.2. तो V की वैल्यू आ गई माइनस 490 यूनिट्स क्या चल रहे हैं सेंटीमीटर माइनस 490 सेंटीमीटर सो इमेज डिस्टेंस हो गया माइनस 490 सेंटीमीटर यानी माइनस 4.9 मीटर्स बी पार्ट 10.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस 10.2 सेंटीमीटर फिर से V निकालो 1 बाय V हो गया 1 बाय F माइनस 1 बाय यू 1 by F minus plus 1 by U तो वो साइन चेंज होके माइनस बन जाएगा यू गेट 10 into 10.2 और ऊपर आ गया 0.2 सो पॉइंट से पॉइंट कट गया V की वैल्यू आ गई 500 एंड पॉइंट से पॉइंट कटा पॉजिटिव आंसर 510 सेंटीमीटर यानी प्लस 5.1 मीटर ठीक है ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 आ जाते हैं 20th पे अ कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 10 इज सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग लेंस बी तो एक कॉन्वेक्स लेंस है ए डाइवर्जिंग लेंस जनरली कॉन्केव लेंस बी दोनों के बीच में गैप है 4 सेंटीमीटर डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 इसकी फोकल लेंथ दी है माइनस 15 डाइवर्जिंग लेंस है तो इसलिए माइनस इसकी फोकल लेंथ है 10 प्लस 10 अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए एंड आफ्टर पासिंग थ्रू बी इज फोकस्ड एट पॉइंट पी डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी मतलब इमेज निकालनी है पैरेलल बीम ऑफ लाइट है So, पहले फर्स्ट लेंस से कंसिडर करोगे फिर सेकेंड लेंस से तो फॉर फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस इंफिनिटी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस निकाल लो 1 बाय वी हो गया 1 बाय एफ प्लस 1 बाय यू सो ये वी आ गया 10 सेंटीमीटर 10 ये 4 है तो यानी इमेज यहां बनेगी इधर से 6 सेंटीमीटर आगे सो अब उससे पहले ही रिफ्रैक्शन हुई तो सेकेंड लेंस पे आ जाओ फॉर सेकेंड लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया प्लस 6 अब देखो डाइवर्ज करेगा तो ये आगे की तरफ कर देगा उसको आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी डिपेंडिंग कि वो रियल बन रही है वर्चुअल या तो 6 से ज्यादा आएगा या फिर नेगेटिव आएगा तो यू हो गया प्लस 6 फोकल लेंथ कितना दिया माइनस 15 निकालो
1 by V is 1 by F plus 1 by U. So minus 1 by 15 plus 1 by 6. 1 by V ho gaya. 1 by 6 minus 1 by 15. 30 LCM. 5 minus 2. V aa gaya plus 10 centimeter. Matlab real image hi ban rahi hai. Diverge hoke aage ki taraf. Negative bhi aa sakta tha kyunki diverging lens hai. ठीक है तो स्टेप बाय स्टेप ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप आ जाते हैं 21 पे 21st क्या है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ये कॉन्वेक्स लेंस है इससे 20 सेंटीमीटर लेफ्ट पे अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया ठीक है और फोकल लेंथ 10 इसकी फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स है तो प्लस 10 सेंटीमीटर इफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इससे 30 सेंटीमीटर दूर एक कॉनकेव मिरर आपने प्लेस कर दिया 30 सेंटीमीटर दूर आपने कॉनकेव मिरर प्लेस कर दिया इसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर Find the magnification and nature of the image. Draw the ray diagram. Locate the position. Samne dhyan do. Object is placed at 20. Aur object ka size vagera kuch nahi diya hua. Okay. To ab sabse pehle aa jate hain ispe. Yahan se rays jayengi. For lens. Object distance ho gaya minus 20. Focal length hai plus 10. 1 by V ho gaya 1 by F plus 1 by U. 20 LCM, 2 minus 1. तो V आ गया 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी अब ये 30 है यहां इमेज बनेगी इसका मतलब ये इसके लिए ये 10 सेंटीमीटर गैप रह गया ये 20 सेंटीमीटर है ये गैप कितना हुआ 10 सेंटीमीटर मतलब इस मिरर के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि नहीं है इसकी फोकल लेंथ 10 से 5 सेंटीमीटर दी है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर सो सिंस इमेज फॉर्मड बाय लेंस इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर देयरफॉर rays will retrace their path and final image will be at same point as that of object. Object agar C pe hota hai to image C pe hi banti hai na aise yun gaya aur ab retracing hogi. वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे इमेज बन जाएगी ठीक है ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 आ जाते हैं 22 पे 22 क्या कह रहा है 22 कह रहा है अ लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि जो वी है वो पॉजिटिव होगा The distance of the object from the lens, u value wise ये graph दिया हुआ है ये जो graph है v और u के बीच में ठीक है ये graph v और u के बीच में v की value और u की value के बीच में v की value और u की value के बीच का क्योंकि u वैसे तो negative होता है left side आएगा ये जो graph है ये ऐसे दिया हुआ है और इस पे एक point दिया है 20, 20 सेंटीमीटर कॉमा 20 सेंटीमीटर आपको क्या बोल रहा है शोज द वेरिएशन ऑफ व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस सिंस इमेज फॉर्म्ड इज रियल देयरफॉर लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस में ही बनती है वर्चुअल उसमें नहीं बन सकती कॉनकेव में नहीं बन सकती रियल ऑब्जेक्ट है इमेज रियल तभी बनेगी दूसरा फोकल लेंथ निकालना है फोकल लेंथ के लिए आप ये पॉइंट यूज कर लो 20, 20
if u is minus 20, v दिया हुआ है plus 20. 1 by f is 1 by v minus 1 by u. 1 by 20 plus 1 by 20, f हो गया 10 सेंटीमीटर. इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. आपको याद होगा ये प्रैक्टिकल आपने किया हुआ है, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का ग्राफ. उसमें जो पॉइंट होता है वो 2f, 2f होता है. तो आपको ध्यान होना चाहिए ये पॉइंट जो होते हैं ये 2f, 2f होता है. मतलब 2f कितना हो गया 20, तो f कितना हो गया 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हो गया 22nd. आ जाते हैं 23rd पे. 23rd कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ एंड नेचर ऑफ द लेंस विच शुड बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. एक लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर. एक दूसरा लेंस F2 आपको निकालना है. सो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर इज 5 डायोप्टर्स. इफेक्टिव पावर 5 डायोप्टर्स हो, मतलब इफेक्टिव फोकल लेंथ 1/5 मीटर हो, यानी 20 सेंटीमीटर इफेक्टिव फोकल लेंथ चाहिए. 1/f इफेक्टिव कितना होता है 1/f1 प्लस 1/f2. सो 1/20, 1/10 प्लस 1/f2. सो 1/f2 कितना हुआ 1/20 माइनस 1/10. 20 LCM 1 माइनस 2, f कितना हो गया माइनस 20 सेंटीमीटर. सो दूसरे लेंस जो होगा वो कॉनकेव होना चाहिए और फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए माइनस 20 सेंटीमीटर. आ जाते हैं 24th पे. What must be the focal length of a third thin lens placed in close contact with two lenses of focal length 16 and minus 23? F1 आपको दिया है 16 सेंटीमीटर, F2 दिया है माइनस 23, F3 आपको निकालना है. लेंस माइनस 12 का चाहिए. F इफेक्टिव कितनी चाहिए माइनस 12 सेंटीमीटर. तो तीन लेंस है, सेम रिलेशन लगेगा. 1/f इफेक्टिव is 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3. So minus 1/12 is 1/16 minus 1/23 plus 1/f3. So 1/f3 कितना हुआ 1/16 minus 1/23 plus 1/12. Calculate करो, f3 निकल जाएगा. ठीक है जी, ये हो गया question number 24th. आ जाते हैं 25th पे. 25th क्या कह रहा है, 25th कह रहा है टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ एफ ईच आर केप्ट कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर सच दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज f1. टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ ईच आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर सच दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज f1. So 1/f1 is 1/f plus 1/f. तो ये हो गया 2/f. तो f1 कितना हो गया f/2. रखो संभाल के. आगे क्या बोला, when the space between the two lenses is filled with glycerin which has the same refractive index 1.5 as that of glass then the effective focal length is f2. अगर आपने मीडियम बदल दिया, the space between the two lenses is filled with glycerin which has the same refractive index equal to 1.5 as that of glass, then the equivalent focal length f2. अब जरा ध्यान दो, आपने दोनों के बीच की स्पेस को फिल कर दिया. पहले लेंसेज ऐसे थे, जब आपने प्लेस कर दिया बीच में glycerin सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अब सिचुएशन ऐसी बन गई. ऐसे बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, अब आपके पास ये बेसिकली एक मोटा थिक लेंस आ गया. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरे का पूरा कितना है 1.5, और अब जो फोकल लेंथ दी है वो कितनी, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 दिया. अब ये बेसिकली होगा क्या, मान अभी भी थिकनेस वगैरह नहीं दी हुई तो आप इसको भी थिन ही कंसिडर करोगे. अब जो फोकल लेंथ होगी, अब देखो R1 अभी भी आर ही है, R2 अभी भी माइनस आ रही है, दोनों की फोकल लेंथ सेम थी ना, तो R1 R2 दोनों का सेम माना, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोला था. सो यहां पे R1 R2 अभी भी उतना ही रहेगा,
बेसिकली ये स्पेस को हमने फिल कर दिया, तो अब जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, जो पहले एक लेंस की फोकल लेंथ थी, क्योंकि R1 सेम है, R2 सेम है, बीच में थिकनेस भर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 1/f कितना होगा, 1/f कितना होगा, 1/f1, इसमें कंबाइंड नहीं, इसमें एक ही लेंस है तो इसमें लेंस मेकर लगाओगे, 1/f हो गया म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2, जो कि पहले एक अकेले लेंस का था। सो f किसके इक्वल आ गया, f2 किसके इक्वल आ गया, f के। मैं वैल्यू वाइज प्रॉपर लिख देता हूं, ये 1/f2 हो गया अब कंबाइंड फोकल लेंथ, तो ये जो f2 है ये f के इक्वल आ गया। f1 किसके इक्वल है, f/2 के, f2 है f के इक्वल, आपको f1/f2 निकालना है। f1/f2 का मतलब कितना हुआ, f/2 डिवाइडेड बाय f, आंसर आ गया 1:2, बी ऑप्शन। बेसिकली ये हुआ, देखो ये दो लेंसेस थे, एक ऐसे और एक ऐसे, मैंने क्या किया बीच की स्पेस को फिल कर दिया, तो ये ऐसे फिल कर दिया और ये कंबाइंड एक लेंस बन गया। सो ये R1 और R2 तो वही रहेंगे ना जो पहले थे, उनमें तो चेंज नहीं हुआ, तो यानी अब ये R1 प्लस R, R2 माइनस R लेके आपके पास सेम एक लेंस की तरह बिहेव करेगा। अब ये दो लेंस की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, पहले यहां पे दो लेंसेज की तरह बिहेव कर रहा था, यहां पे अब एक सिंगल लेंस की तरह ही बिहेव करेगा, तो सिंगल लेंस की फोकल लेंथ यूज होगी। ठीक है, आ जाते हैं 26 पे। टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंसेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, each having radius of curvature 20 are placed with their convex surfaces in contact at the center. ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंसेज each having radius of curvature 20 centimeter are placed with their convex surfaces in contact at the center. ऐसे प्लेस किया, एक ऐसे लेंस है और एक ऐसे लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, ओके। The intervening space is filled with oil of refractive index 1.7. The focal length of the combination is, जो बीच की स्पेस है आपने उसको 1.7 से फिल कर दिया, आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालना है अब इस सिस्टम का। ये बीच में आपने यहां पे क्या कर दिया, यहां पे ऑयल डाल दिया इस स्पेस में, ऑयल डाल दिया तो अब इस सिस्टम की फोकल लेंथ निकाल ली। ठीक है, कैसे इंटरप्रेट करते हैं इसको, प्लीज ध्यान दो, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं, इट विल बी मोर क्लियर। ये बेसिकली एक लेंस हुआ, ये दूसरा लेंस है और ये बीच में तीसरा लेंस बन गया, ये तीसरा लेंस बन गया, थर्ड लेंस। इसकी फोकल लेंथ को F1 बोल दिया, इसकी फोकल लेंथ को F2 बोल दिया, इसकी फोकल लेंथ को F3 बोल दिया। अब F1 कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 फॉर F1, फॉर फर्स्ट लेंस, फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया प्लस इंफिनिटी, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट लेंस R1 कितना हो गया प्लस इंफिनिटी, R2 हो गया माइनस 10 सेंटीमीटर, रेडियस माइनस 10 दिया होता ना, नहीं 20, R2 हो गया माइनस 20 सेंटीमीटर। सो 1/f1 इज म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, सो 1/f1 आ गया 0.5/20, तो यानी फर्स्ट जो सेक्शन है उसकी फोकल लेंथ हो गई 40 सेंटीमीटर, रख लो। अब आ जाओ सेकंड पे, फॉर सेकंड, सेकेंड लेंस ऐसा है, ऐसे और ऐसे, सो इसमें R1 कितना हो गया माइनस 20, R2 हो गया प्लस 20, सो 1/f2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 था ना, 1.7, 1/r1 माइनस 1/r2, सो 1/f2 हुआ 0.7 इंटू माइनस 1/10, तो चलो 1/f2 ही निकाल लो, f2 की जरूरत नहीं है, 1/f2 क्यों, क्योंकि इफेक्टिव निकालना होता है। 1/f2 कितना हुआ माइनस 0.7/10, तो माइनस 7/100, रख लो संभाल। अब f3 निकालो फॉर थर्ड लेंस,
थर्ड लेंस के लिए आर वन हो गया प्लस 20, आर टू हो गया इंफिनिटी. सो 1 बाय एफ थ्री इज म्यू माइनस 1, 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू. सो 0.5 बाय 20. सो 1 बाय एफ थ्री हुआ 0.5 बाय 20, मतलब 1 बाय 40. नंबर थ्री इधर भी कितना है, इधर भी 1 बाय 40 ही लिखता हूं, 1 बाय 40 नंबर वन. नाउ 1 बाय एफ इफेक्टिव इज 1 बाय एफ वन प्लस 1 बाय एफ टू प्लस 1 बाय एफ थ्री. 1 बाय एफ वन कितना, 1 बाय 40, ये माइनस 7 बाय 100 प्लस 1 बाय 40, 200 एलसीएम. 5 माइनस 14 प्लस 5 माइनस 4 बाय 200, तो एफ इफेक्टिव आ गया माइनस 50 सेंटीमीटर. इफेक्टिव फोकल लेंथ आ गई माइनस 50 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये तीन लेंसेज के, यहां पे भी यही हो रहा था बट यहां पे ना बीच में सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था तो फर्क नहीं पड़ा, ये कंबाइंड एक ही लेंस बना दिया. इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बीच में डिफरेंट है तो ये नए दूसरे लेंस की तरह बिहेव करेगा. गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 26. इस पे मैं फ्लैग लगा रहा हूं, इस पे याद, ये कंसेप्चुअली मजेदार क्वेश्चन है. आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 27th पे, 26th पे. पिछला कौन सा था, 26th 27th, ये रिपीट डल गया क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27th पे आ जाते हैं. क्वेश्चन 27th क्या कह रहा है, क्वेश्चन 27th कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 एंड अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 आर प्लेस्ड इन कॉम्बिनेशन. इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 40 सेंटीमीटर अवे, फाइंड द इमेज. कॉम्बिनेशन में निकालना है तो 1 बाय एफ इफेक्टिव इज 1 बाय एफ वन प्लस 1 बाय एफ टू. So 1 by f effective कितना हुआ, 1 by convex lens है तो plus 30, f1 हो गया plus 30, f2 कितना हुआ, concave lens है तो minus 60. So 1 by this minus 1 by 60, 60 LCM, 2 minus 1, तो f effective कितना हुआ, 60 centimeter. Combined focal length हो गई 60 centimeter. आपको object 40 centimeter पे रखा, लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1 बाय एफ इज 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू. सो 1 बाय 60 इज 1 बाय वी प्लस 1 बाय 40. सो 1 बाय वी हुआ 1 बाय 60 माइनस 1 बाय 40, 120 एलसीएम, 2 माइनस 3, वी कितना आ गया माइनस 120 सेंटीमीटर. गॉट इट? इजी क्वेश्चन. ये था क्वेश्चन नंबर 27. लेट्स मूव ऑन टू 28th. 28th क्या कह रहा है, 28th कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस डी सो दैट द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ओ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट ओ. सेम पॉइंट पे इमेज बननी चाहिए. सो ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, आपको सेम पॉइंट पे इमेज चाहिए, ये 15 सेंटीमीटर दूर है. कॉनकेव मिरर है, आपको डी डिस्टेंस दिया है और डाटा बाकी रियल इमेज ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 10, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर. आपको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, इमेज शुड बी एट सेम पॉइंट. अगर इमेज आपको सेम पॉइंट पे चाहिए तो इमेज फॉर्म बाय लेंस मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर. सो फॉर इमेज to be at same point, to be at same point as that of object, that is retracing, then image formed by lens must be at the center of curvature
ऑफ मिरर, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी तभी वो रिट्रेस करेगा, मतलब यहां पे होगा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, यही बोला। सो पहले लेंस पे आते हैं, फॉर लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -15, फोकल लेंथ है +10, v निकालो, 1/v -1/u =1/f, सो 1/v हुआ 30 LCM, 3 -2 v आ गया 30 सेंटीमीटर, इसकी इमेज यहां पे बननी चाहिए 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, therefore जो d होना चाहिए वो 30 +20 that is 50 सेंटीमीटर, रिट्रेसिंग चाहिए तो ये यहां इमेज चाहिए 20 सेंटीमीटर दूर, इधर से 30 इधर से 20, तो दोनों के बीच में गैप कितना हुआ 50 सेंटीमीटर। रिट्रेसिंग के लिए क्या चाहिए होता है, इमेज जो होनी चाहिए यानी ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए मिरर के लिए वो कहां होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, या इंसिडेंट रे कहां से आनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आनी चाहिए। आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे, 29th, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम आर गिवन द पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओ इमेज आई एंड टू लेंसेज L1 एंड L2, फोकल लेंथ ऑफ L1 इज ऑल्सो गिवन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ L2। ओके, ये लेंस आपको दिया हुआ है, इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ये रहा ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर दूर, पहले वी निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करेंगे। फॉर फर्स्ट लेंस, फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस निकालो 1/v -1/u =1/f, सो 1/v हो गया 1/15 -1/40, LCM लो 120 LCM आ गया, 8 -3 तो v आ गया 24 सेंटीमीटर, इमेज होनी चाहिए 24 पे, यहां से दे गई इमेज बननी चाहिए 24 सेंटीमीटर दूर, बट इस 24 पे पहुंचने से पहले एक और लेंस रखा है 14 सेंटीमीटर दूर, ये 14 दिया हुआ है, तो यानी इस लेंस के लिए, सेकेंड लेंस के लिए ये 10 सेंटीमीटर हो गया, सो फॉर सेकेंड लेंस फर्स्ट की इमेज सेकेंड के लिए एज एन ऑब्जेक्ट होगी, फर्स्ट की इमेज 24 है, 10 माइनस करो 14 माइनस करो कितना बचा 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया +10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ नहीं पता, इमेज डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है डायग्राम, इमेज डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर, तो 1/f इज 1/v -1/u 30 LCM 1 -3, फोकल लेंथ आ गया -15 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप, एक की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन, ठीक है जी, ये हो गया 29th, नेक्स्ट आ जाते हैं 30th पे, 30th क्या कह रहा है, फ्रॉम द रे डायग्राम शोन बिलो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, ओके डायग्राम बनाते हैं पहले, ये आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया है 60 सेंटीमीटर दूर, ऑब्जेक्ट दिया है 60 सेंटीमीटर दूर, फोकल लेंथ दिया 20 सेंटीमीटर, पहले इसका काम कर लेते हैं बाकी बाद में देखेंगे। फॉर कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, 1/v -1/u =1/f, सो 1/v हो गया 1/20 -1/60, 60 LCM, 3 -1 तो v कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, इमेज बननी चाहिए 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक है जी, इमेज बननी चाहिए 30 सेंटीमीटर दूर, तो इस ये ऐसे गया, इसकी इमेज आनी चाहिए 30 सेंटीमीटर दूर, ये पहला डाटा हो गया। अब आगे क्या बोला देखते हैं, आगे बोला लेंस बना हुआ है 10 सेंटीमीटर गैप पे, 10 सेंटीमीटर के गैप पे एक लेंस है, सो इधर से 30 है तो इस लेंस से कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, सो फॉर कॉनकेव लेंस
कॉनकेव लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया प्लस 20 सेंटीमीटर, इमेज कहां बनेगी? इमेज बोल रहा है इंफिनिटी पे, ओके पैरेलल हो गई, इसके बाद लेंस पैरेलल हो गई तो इमेज कितना हो गया? प्लस इंफिनिटी। फोकल लेंथ निकालो, 1 बाय एफ इज 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, तो एफ कितना हुआ? माइनस 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हुई माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, आ जाते हैं 31st पे। क्वेश्चन कह रहा है अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू अ प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये देखो, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये एग्जैक्टली फिट हो जाता है प्लेनो कॉनकेव लेंस। अब ये प्लेनो कॉनकेव लेंस बोल दिया, ये प्लेनो कॉनकेव हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के डब्बा बन गया। प्लेन सर्फ, आगे क्या बोला? देयर प्लेन सर्फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर इफ द लेंसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन एंड म्यू टू। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सर्फेस ऑफ बोथ द लेंसेज, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये इसकी फोकल लेंथ एफ वन बोल दी, इसकी फोकल लेंथ एफ टू बोल दी फॉर फर्स्ट लेंस। 1 by F1 is mu 1 minus 1, 1 by R1 minus 1 by R2, R2 कितना है? minus R। इस first lens के लिए R1 कितना होगा? first lens के लिए R1 हो जाएगा plus infinity, R2 कितना होगा? minus R। so 1 by F1 आपके पास आ गया mu 1 minus 1 by R, रख लो संभाल के। आ जाओ second lens के लिए, फॉर सेकेंड लेंस प्लेनो कॉनकेव के लिए आर वन हो जाएगा माइनस आर, आर टू हो जाएगा इंफिनिटी। सो वन बाय एफ टू इज म्यू टू माइनस वन, वन बाय माइनस आर माइनस वन बाय इंफिनिटी। सो वन बाय एफ टू आपके पास आ गया म्यू टू माइनस वन बाय माइनस आर, नंबर टू। इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाओ, वन बाय एफ इफेक्टिव is 1 by F1 plus 1 by F2, so you get mu 1 minus 1 by R minus mu 2 minus 1 by R, LCM lo mu 1 minus mu 2 by R, so F effective kitna ho gaya? R upon mu 1 minus mu 2, effective focal length hui R upon mu 1 minus mu 2, option ho gaya B option। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। लेट्स मूव ऑन टू 32। 32 कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 10 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, देन इट बिहेव्स एज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। क्या? सो सबसे पहले प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, आर वन हो गया प्लस इंफिनिटी, R2 हो गया माइनस 10, 1 by F of lens is mu minus 1, refractive index given, 1 by R1 minus 1 by R2, so 1 by F2 हुआ 0.5 upon 10, तो इसकी focal length हो गई बेटा 20 centimeter। अब आपको क्या बोला? Plane surface को silver कर दिया। जब एक surface को silver कर दोगे, सिल्वरिंग ऑफ लेंस याद है, तो दो बार तो रिफ्रैक्शन का इफेक्ट होगा और एक बार रिफ्लेक्शन का, तो ये इसका जो इफेक्टिव फोकल लेंथ बनता है वो होता है 1 by F of lens plus 1 by F of lens plus 1 by F of mirror, प्लेन सरफेस मिरर वाला है उसका हो गया इंफिनिटी, सो 2 by फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो यानी कि 2 by 20 इफेक्टिव फोकल लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर, तो इट विल बिहेव एज अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दो रिफ्रैक्शंस, एक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पे प्लेन मिरर का फोकल लेंथ वो गया इंफिनिटी, वो गया जीरो, और लेंस के लिए दो बार लेना पड़ेगा क्योंकि दो रिफ्रैक्शंस कंसिडर होगी। ठीक है जी, आ जाते हैं 33rd पे। 33rd क्या कह रहा है? 33rd कह रहा है
A convex lens of focal length 10 is placed coaxially 5 cm from a concave lens of focal length 10 cm. If the object 30 cm is placed, find the position of final image. Convex lens hai, f1 at 10 cm. Concave mirror hai, focal length hai, minus 10 cm. 5 cm away. Dono ke beech mein gap diya hai 5 cm. ओके okay, एक कॉन्वेक्स लेंस है एक कॉन्केव लेंस है ये F1 और ये F2 दोनों के बीच में गैप है 5 सेंटीमीटर इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस सो 30 सेंटीमीटर तो पहले कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करो फॉर कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस 30 फोकल लेंथ कितना है प्लस 10 वी निकालो 1 by v is 1 by f plus 1 by u. So 1 by 10 minus 1 by 30. 30 LCM, 3 minus 1. So yani yahan se v aa gaya 15 cm. V ho gaya 15. 15 matlab 5 to ye hai. Isse aage. So for concave lens, object distance ho gaya plus 10. 5 माइनस कर दोगे फोकल लेंथ कितनी दी है माइनस 10 1 बाय v आ जाएगा 0 v आ जाएगा इंफिनिटी तो फाइनल इमेज क्या हो जाएगी इंफिनिटी ठीक है जी आ जाते हैं 34th पे शो दैट फोकल लेंथ ऑफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ क्राउन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस So, R1 आपको प्लस R दे दो R2 माइनस R दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है 1 बाय फोकल लेंथ इज म्यू माइनस 1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 सो 1 बाय F इज 1.5 माइनस 1 1 बाय R प्लस 1 बाय R सो 1 बाय F इज 0.5 इंटू 2 बाय R So, focal length equal to radius of curvature. Pahla part prove ho gaya. Equal to radius of curvature of either surface. And if the radius is changed from 5 to 6, change in power. So, pahla case, if radius is 5 cm, it means jo focal length hogi, wo 5 cm ho jayegi. Matlab jo power hogi, wo ho jayegi 1 by 0.05. Matlab 20 diopters. ठीक है 5 by 100 meters 100 by 5 यानी 20 diopters if r is 6 cm तब focal length हो जाएगी 6 cm power हो जाएगी 100 by 6 meters मतलब 50 by 3 meters so आपको change in power निकालना है change in power कितना हुआ 20 minus 50 by 3 यानी 10 by 3 यानी 3.33 diopters यही प्रूव करना है कि 3.3 डायोप्टर्स का चेंज आएगा मैंने ये कौन सा रिलेशन यूज किया ये जो फर्स्ट में प्रूव किया उसको वहां पे यूज किया ठीक है ये था क्वेश्चन नंबर 34th आ जाते हैं 35th पे 35th कह रहा है अब कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ प्लेन मिरर एक कॉन्वेक्स लेंस है आपने उसे एक प्लेन मिरर के साथ कॉन्टैक्ट में रख दिया कॉन्वेक्स लेंस को प्लेन मिरर के साथ कॉन्टैक्ट में रख दिया एन एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन हैज इट्स इमेज कोइंसाइडिंग विद इटसेल्फ ओके इमेज कोइंसाइडिंग विद इटसेल्फ ये इमेज कोइंसाइड कर रही है इटसेल्फ रिट्रेस करेगा पाथ रिट्रेस करके सेम पॉइंट पे आ रहा है ये कब होगा जब ये फोकस होगा याद है बात इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी दैट इमेज विल बिहेव as object for plane mirror a plane mirror mein therefore
इंसिडेंट रे ऑन प्लेन मिरर इज अ पैरेलल बीम एंड हेंस इट विल रिट्रेस इट्स पाथ बिकॉज फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर क्या हो जाता है इंफिनिटी देयरफोर इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम पॉइंट इफ इट इज केप्ट एट फोकस ऑफ लेंस लेंस के फोकस पे अगर रखेंगे तब इमेज सेम पॉइंट पे होगा तो फोकल लेंथ कितना हो गया 20 सेंटीमीटर ठीक है जी ये हो गया आपका इसका आंसर फोकल लेंथ 20 आ जाते हैं 36 पे कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ओवर अ प्लेन मिरर एक कॉन्वेक्स लेंस है उसको आपने प्लेन मिरर के ऊपर रख दिया कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ओवर अ प्लेन मिरर अ पिन इज नाउ पोजिशन सो दैट देयर इज नो पैरेलेक्स नो पैरेलेक्स मतलब जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज है तो सेम इफेक्ट सेम चीज लिखोगे कि पिन मस्ट बी प्लेस्ड एट फोकस ऑफ लेंस समझ में आ गई बात क्लियर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36 आ जाते हैं 37th पे 37th क्या कह रहा है 37th The distance between the convex lens and a plane mirror is 15 centimeter. एक convex lens है और एक plane mirror है दोनों के बीच में distance दिया हुआ है 15 centimeter. 15 centimeter का दोनों के बीच में gap है The parallel rays incident on the convex lens after reflection from the mirror form image at the optical center of the lens. Lens के optical center पे image बनाते हैं ठीक है लेंस ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ध्यान दीजिए प्लेन मिरर की फोकल लेंथ है द डिस्टेंस बिटवीन दिया हुआ है पैरेलल बीम इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस पे पैरेलल बीम आई ओके हमें इसकी इमेज का नहीं पता लगेगा क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नहीं पता बट इसका पता है फाइनल इमेज यहां बन रही है फॉर मिरर बात करो फॉर मिरर ऑब्जेक्ट नहीं पता इमेज डिस्टेंस पता है -15 सेंटीमीटर इससे 15 सेंटीमीटर आगे इमेज बन रही है इस तरफ फाइनल इमेज देखो ना रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर फॉर्म इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस तो इमेज जो है वो यहां बन रही है मिरर से 15 सेंटीमीटर आगे देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/f इज 1/v -1/u तो U आ जाएगा सॉल्व करके प्लस 15 सेंटीमीटर दूर 15 सेंटीमीटर पीछे मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा जो इसका इमेज है ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर इज द इमेज फॉर लेंस लेंस की जो इमेज है वो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है ना तो यानी कि ये ऐसे गई होगी Therefore, for lens, image distance कितनी हो गई 15 और ये 15 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है माइनस इंफिनिटी सो 1/f इज 1/v -1/u तो f कितना आ जाएगा सॉल्व करके 30 सेंटीमीटर तो रे डायग्राम पूरा कर देते हैं ये ऐसे गया होगा सो ऐसे गई 30 सेंटीमीटर दूर जा रही है इमेज वापस आ गई रिट्रेस हो गई ठीक है समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप देखो इसमें हमें ये पहले का नहीं पता था बाद का पता था तो पहले हमने बाद से निकाल के उल्टी कंडीशन निकाली ठीक है जी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37th आ जाते हैं 38th पे बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 हैज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर has a point object on its principal axis. Okay, point object on its principal axis.
एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, 40 सेंटीमीटर दूर, पहले तो यहां से v निकाल लेते हैं. 1 बाई वी इज 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई यू. यू को माइनस 40 लेंगे, यू को लेंगे माइनस 40, 40 एलसीएम, 2 माइनस 1, तो v आ गया 40 सेंटीमीटर. v हो गया 40. ओके, आगे क्या बोला? A plane mirror is placed 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस. यहां पे 30 सेंटीमीटर दूर अपने प्लेन मिरर रख दिया, इमेज बन रही थी 40 सेंटीमीटर दूर, तो यहां से गया 40 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रही है, तो ये 10 रह गया. सो फॉर प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया प्लस 10, इमेज डिस्टेंस कितना होगा? 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. तो v कितना हो गया? Minus 10 centimeter. तो यहां इमेज बनेगी 10 centimeter. ठीक है, तो इसका आंसर गलत है, 40 नहीं है. ठीक है, आंसर होगा प्लस 10 centimeter. समझ में आ गई बात? पहले वाले की इमेज सेकेंड वाले के लिए एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रही है और काम होगा. ओके, आ जाते हैं 39th पे. A concave mirror of focal length f1 is placed at a distance d from a convex lens of focal length f2. Convex lens है इसकी focal length है f2. Concave mirror of focal length f1 is placed at this distance. Concave mirror focal length f1, ये d distance दूर आपने रख दिया. A beam of light coming from infinity and falling on this convex lens concave mirror combination returns to infinity. Returns to infinity मतलब retracing हो रही है. Retracing हो रही है. Retrace होने के लिए image must be formed at the center of curvature of lens of mirror. For retracing, image formed by lens must be at the center of curvature of mirror. Mirror. ठीक है, तो ये center of curvature होना चाहिए. अब lens के लिए image distance solve करके आएगी focal length, obviously, क्योंकि infinity से आ रही है. v कितना हो गया? f2. And ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 2f1. डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो जो d होगा वो कितना होना चाहिए? f2 plus 2f1. d हो गया f2 plus 2f1. c ऑप्शन. ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39. लेट्स मूव ऑन टू 40. क्वेश्चन 40. 40 क्या कह रहा है? अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्वेक्स मिरर of radius of curvature 20 are placed coaxially with the convex mirror placed at a distance of 30 centimeter. Diagram बना लेते हैं. ये convex lens दिया हुआ है, convex mirror दिया हुआ है, दोनों के बीच में gap दिया हुआ है 30 centimeter. दोनों के बीच में gap है 30 centimeter. Object आपने place किया 25 centimeter दूर. Data बाकी देखते हैं, अभी रुक जाओ, पहले इसको देख लेते हैं. यहां से रेज गई जो डायग्राम में क्वेश्चन में गिवन है, यहां इमेज बन रही है इसकी और ये गैप है 20, तो ये नहीं 50. सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस 25 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर. इससे फोकल लेंथ निकल जाएगा 1 बाय एफ इज 1 बाय वी माइनस 1 बाई यू. 50 एलसीएम, 1 प्लस 2, फोकल लेंथ ऑफ लेंस हो गया 50 बाय 3 सेंटीमीटर. देखते हैं जरूरत है भी कि नहीं. फ्रॉम द फाइनल इमेज ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, वो रिट्रेसिंग डायग्राम में गिवन थी, रिट्रेसिंग ही गिवन थी. ये 20 है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन थी. मैंने डायग्राम वैसे गिवन नहीं होगा, डायग्राम अगर गिवन नहीं है तो देखो सीधी बात, ये 50 सेंटीमीटर हुआ
ये फोकल लेंथ है, तो ये 20 नहीं भी गिवन होता तब भी आप कर सकते थे, फोकल लेंथ 10 है, रिट्रेसिंग हुई है, इसका मतलब रिट्रेसिंग का मतलब ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर हुआ और ये 30, तो इमेज डिस्टेंस हुआ 50, आपका फोकल लेंथ निकल गया। ये डायग्राम जरूरी नहीं है गिवन हो, जैसे नेक्स्ट वाले में उसमें गिवन नहीं है तो उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा। इसमें मैंने डायरेक्ट डायग्राम से डाटा उठा लिया था। 41st में देखो, एन ऑब्जेक्ट, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, एक ऑब्जेक्ट आपने रखा 30 सेंटीमीटर दूर, पावर है 4 डायोप्टर्स, फोकल लेंथ हो गई 25 सेंटीमीटर, 1/4 meter यानी 25 सेंटीमीटर। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ कॉन्वेक्स मिरर इज केप्ट ऑन राइट साइड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर आपने राइट साइड पे रखा 50 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज फॉर्म बाय दिस कॉम्बिनेशन इज कोइंसाइडिंग विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। और कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर का कुछ दिया हुआ है नहीं, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। ओके, अब देखो, फॉर कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ -30, फोकल लेंथ है 25, इमेज डिस्टेंस निकाल दो 1/v -1/u =1/f, सो 1/v हुआ 1/25 -1/30, 150 LCM, 6 - 5 v आ गया 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, यहां से 150 सेंटीमीटर दूर यहां इमेज बन रही है। अब ये रिट्रेस करना है तो ये वापस आएगा, सिंस रेज आर रिट्रेसिंग देयर पाथ, देयरफोर इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस मस्ट बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर मिरर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कितना दे दिया, 150 में 50 कम करो 100 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये निकालना था फोकल लेंथ, क्लियर हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। आ जाते हैं 42 पे, 42 एंड 43। 42 कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली विद अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, placed coaxially with a convex mirror of radius of curvature 20 centimeter. Convex mirror के साथ आपने place कर दिया, इसका radius of curvature है 20 centimeter. The two are kept 15 centimeters apart. 15 centimeter दूर दोनों को रख दिया, ठीक है। The object placed at 60 centimeter, the object is placed at 60 centimeter in front of a convex lens, ठीक है। 60 सेंटीमीटर दूर आपने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया 60 सेंटीमीटर दूर, फॉर लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -60, फोकल लेंथ है 20, 1/v इज 1/f प्लस 1/u, सो 1/20 -1/60, 60 LCM, 3 - 1, तो v कितना आया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूर मतलब यहां पे। तो ये 15 हो गया, 15 माइनस करो। अब आ जाओ फॉर मिरर, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया प्लस 15, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी फोकल लेंथ कितना हो गया प्लस 10, सो 1/v इज 1/f, 1/v प्लस 1/u मिरर है तो 1/f -1/u यूज होगा, 1/10 -1/15, 30 LCM, 2, 3 - 2,
तो v कितना हो गया 30 सेंटीमीटर. 3 - 2 = 1, 1/30 v हो गया 30. v 30 मतलब यहां से रेज रिफ्लेक्ट होंगी वापस और इधर से 30 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी. ठीक है, समझ में आ गया. ये हो गया 42. आ जाते हैं 43 पे. 43 क्या कह रहा है? 43 कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 एंड अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10. एक कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 20 एंड अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10. कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 वैल्यू लिखिए, सिर्फ साइन के साथ नहीं. आर प्लेस टू एक्चुअली 50 सेंटीमीटर पार्ट, 50 सेंटीमीटर दोनों को दूर रखिए. An incident beam parallel to its principal axis is incident on a lens. Parallel beam आई इसमें. Parallel beam आई. Locate the position of final image. For lens, object distance हो गया minus infinity. Focal length है 20. So 1/v - 1/u = 1/f. तो v आ जाएगा 20 सेंटीमीटर. इससे इमेज बन गई 20. 20 मतलब यहां पे. और ये कितना हो गया 30. अब मिरर पे आओ. मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -30. फोकल लेंथ कितना है -10 क्योंकि कॉनकेव मिरर है, लेफ्ट साइड पे होगा. 1/v + 1/u = 1/f. सो 1/v हो गया 1/f - 1/u. सो 1/-10 + 1/30. 30 LCM -3 + 1. तो v आ गया 15 सेंटीमीटर नेगेटिव का. -15 मतलब ये इधर जाएगा और फिर इधर 15 सेंटीमीटर दूर इमेज बन जाएगा. ठीक है जी, ये हो गया 43rd. नेक्स्ट 44th एंड 45th, लास्ट टू क्वेश्चंस. 44th, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. एक कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 10, तो फोकल लेंथ हो गई -10. इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस 10 सेंटीमीटर रेडियस एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर. कॉनकेव मिरर आपने रखा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया 10 सेंटीमीटर और इसको हमने रखा 5 सेंटीमीटर दूर. ये सिचुएशन दी है. एन ऑब्जेक्ट प्लेस सो दैट लाइट कमिंग फ्रॉम इट फर्स्ट पासेस थ्रू लेंस, देन गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, अगेन पासेस थ्रू लेंस टू फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज कोइंसिडेंट विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओ माय गॉड, मतलब क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं हुआ. इस लेंस, इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन होना चाहिए? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. सो पहले आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट इज प्लेस सो दैट लाइट कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट पासेस थ्रू द लेंस, देन गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, अगेन पासेस थ्रू द लेंस टू फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज कोइंसिडेंट विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले ध्यान दो, पहले लेंस के लिए बात, पहले मिरर के लिए बात करते हैं. मिरर के लिए पहले तो बेटा वो रिट्रेसिंग करना है. For retracing, image formed by lens must be at center of curvature of mirror. Mirror के center of curvature पे होना चाहिए. Mirror का radius of curvature दिया है 10, ये 5 है तो यहां पे होना चाहिए. So, यानी इस लेंस के लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस ये 5 हो गया 10 सेंटीमीटर दूर, इमेज डिस्टेंस हो गया -5, फोकल लेंथ दी हुई है -10. आप u निकाल सकते हो, 1/v - 1/u = 1/f.
सो 1 बाई यू हो गया 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ. सो 1 बाई यू 1 बाई वी मतलब 1 बाई माइनस 5 प्लस 1 बाई 10. 10 एलसीएम माइनस 2 प्लस 1 यू कितना आ गया माइनस 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर दूर हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा. ठीक है जी, समझ में आ गई. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44. आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 45th पे. A luminous object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex lens. ये convex lens है. इससे 30 centimeter दूर आपने एक object को रख दिया. इससे 30 centimeter दूर आपने एक object को रख दिया from a convex lens of focal length 20. On the other side of the lens, at what distance from the lens a convex mirror of radius of curvature 10? Convex mirror of radius of curvature 10 can be placed to have an upright image at coincident same point पे. मतलब again इसकी image कहाँ बननी चाहिए? At the center. मतलब यहाँ पे center. आपको ये d distance निकालना है. आपको ये d distance निकालना है. ठीक है? अब ध्यान देना. For lens बात करते हैं. For lens आपको object distance दिया है minus 30 centimeter. Focal length दिया है plus 20 centimeter. 1 by v माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ. सो 1 बाई वी हो गया 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 30. 60 एलसीएम 3 माइनस 2 तो v आ गया 60 सेंटीमीटर. इमेज डिस्टेंस हो गया 60. मतलब ये गैप कितना होना चाहिए? 60. इमेज must be formed at center of curvature of mirror. मतलब d plus 10 must be equal to 60 centimeter. तो d कितना होना चाहिए? 50 centimeter. आंसर हो गया c option. got it? तो ये था आपका सारे न्यूमेरिकल लेंसेस के. अब आपका काम क्या है? जो आपने मेरी हेल्प के साथ किए हैं या फिर देख के किए हैं रिपीट कीजिए. सारे टिपिकल क्वेश्चंस ध्यान से कीजिए. कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आ सकते हैं. सीबीएसई में बहुत ज्यादा नहीं आते बट सैंपल पेपर्स वगैरह में रहते हैं तो ये आ सकते हैं एग्जाम में. सो मेक श्योर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो. ठीक है? थैंक यू वेरी मच.